हेलो मैकेनिक फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये जैसे कि देख सकते हो, हमारे पास है सीवी शाइन, होंडा सीवी शाइन, ठीक है, 125, काफ़ी पुराना मॉडल है और कंडीशन भी काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है। जैसे कि मतलब देख पा रहे हो, ठीक है, जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार है। और ये क्या हो रहा है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ ये गाड़ी, तो फिलहाल क्या हो रहा है, हमारे पास लेकर आया, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो काफ़ी दिन पड़े रहने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका इंजन ऑन करके देखेंगे कि क्या आता है। अच्छा, मतलब बैटरी कनेक्शन है अभी। चलो सेल्फ लगा के देखते क्या होता है। अच्छा, बैटरी डाउन दिखा रहा है, सेल्फ नहीं ले रहा है फिलहाल। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें कीक लगा के देखते। अच्छा, इंजन का जो साउंड है काफ़ी बुरी तरीके से साउंड लग रहा है, ठीक है। इंजन का जो साउंड है काफ़ी बुरी तरीके से साउंड है। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, किक लगा के देखते हैं, और जो उसका स्पार्क है, स्पार्क को एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, मत जोरे जोरे। तो जैसे कि स्पार्क नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें करंट भी आउट है, मतलब ठीक है, तो करंट भी बिल्कुल है नहीं, और कंडीशन ये पूरा टूटा वूटा पड़ा हुआ। तो चलो इसका पहले सीट खोलते हैं और स्पार्क प्लग खोलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत हुआ। तो फ्रेंड्स, बने रहो इस चैनल पर। अगर इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। चलिए सीट खोल लेते फाइनली और देखते। अरे बाप रे, ये क्या हालत है, देखो चूहे ने क्या किया, देखो। अरे सीडीआई का तो कुछ रखा ही नहीं है, कैसे करंट आएगा, ये देखो। ऐसे चूहे ने क्या हालात बनाया, देखो फ्रेंड्स। तो चलो पहले क्या करते हैं, इस सभी को तार को पहले जोड़ते हैं, फिर इंजन का कंडीशन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। पहले हमको क्या करना होगा, जो स्पार्क है स्पार्क को लाना होगा, क्योंकि गाड़ी इसमें करंट ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो इसको हमको तार जो है जितना भी है सभी को पहले जोड़ना होगा, और सीडीआई बाकी में, सीडीआई तो शायद सही होगा। तो चलो, और एयर फिल्टर देखो एक बार। चलो खैर कोई नहीं, पहले सभी को जोड़ते और देखते क्या होता है। टैंक को खोल लेते, क्योंकि इसके अंदर में भी काफ़ी तार काटा हो सकता है, ठीक है। तो चलो बने रहो फ्रेंड्स इस वीडियो पे। तो मैकेनिक फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसका जो वायरिंग कटा हुआ था वो हमने इस तरीके से अभी फिलहाल इस तरीके से करके रखा, जोड़ के रखा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से टेप करना है जिस तरीके से होता है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा कटा था, इसको भी कट दिया। और फ्रेंड्स, जो इसका एयर फिल्टर था वो तो ख़राब ही है, देख सकते हो काफ़ी बुरी कंडीशन है। और ये देखो, यहाँ से भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, ठीक है। और पेट्रोल हमने डाला है और अभी स्पार्क हो रहा है, ठीक है, और ये जाल भी पूरा ख़राब हो चुका है। चलिए आप क्या करते हैं, एक बार आप लोगों को मैं स्टार्ट करके दिखा दूँ, और इंजन का जो साउंड है वो एक बार सुन लेते हैं कैसा कंडीशन है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, और चाबी इग्निशन ऑन कर दिया, इग्निशन ऑन करते ही, और सेल्फ तो नहीं लेगा फिलहाल, इसका बैटरी डेड है। चलो थोड़ा सा चोक करते, तो फिर फाइनली स्टार्ट हो चुका है गाड़ी, सुन सकते हो जो इंजन का साउंड है, ठीक है। और इंजन का साउंड देखो, मतलब टाइमिंग चेन जो टेंशन आ रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फाइनली तो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, और देख लेते एक बार व्हाइट स्मोक आ रहा है कि नहीं। चलिए एक बार, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और इंजन का थोड़ा सा साउंड है अभी। तो चलो फिलहाल तो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, फाइनली हमने क्या किया, जो वायरिंग है जिस तरीके से होता है उस तरीके से हमने बहुत बढ़िया से कर दिया है, जिस तरीके से होता है मतलब देख सकते हो। और फ्रेंड्स, एयर फिल्टर वगैरह चेंज तो करना है, और ये जो जाली वगैरह है देख सकते हो इसको चेंज करना है, देखते क्या किया जाता है। और भी बहुत सारा काम करने वाले हैं, जैसे कि मडगार्ड वगैरह टूटा हुआ है, ठीक है, फायरिंग वगैरह टूटा हुआ है, तो देखते क्या किया जाता है। फाइनली स्टार्ट तो हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर काम थोड़ा सा भी मेरा अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है, और लाइक करके अपने मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ाना फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना फ्रेंड्स जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।